विद्यार्थियों को 12वीं के बाद अभियांत्रिकी में प्रवेश लेते वक्त अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करने, भविष्य में आने वाली समस्याओं को फेस करने, मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग की ओर से रविवार 21 जून को प्रियदर्शनी सभागार में निःशुल्क मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद दौरान दी गई। दिनों दिन अभियांत्रिकी शाखा की ओर विद्यार्थियों की रुचि बढ़ रही है, जिसे देश में हजारों अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना हुई है। इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने संदर्भ में अभिभावकों और विद्यार्थियों में संभ्रम निर्माण हो गया है। गलत और अधूरी जानकारी से अनेक विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय हो गया है। इससे विद्यार्थियों को बचाने के लिए 21 जून को इस मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किए जाने की बात पत्र परिषद के जरिए दी गई। अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। चंद्रपूर तसेच ग्रामीण भागातील जे विद्यार्थी आहेत त्यांना या प्रवेश प्रक्रियेतील किचकट बाबी माहीत नाही, त्याची जाणीव करून द्यायला आणि त्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स अर्थात बानाई शाखा चंद्रपूरतर्फे 21 जून 2015 रोजी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृहामध्ये मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या मार्गदर्शन शिबिरामध्ये महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये असणारी जी प्रवेश प्रक्रिया आहे, तसेच भारतातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात NIT यामध्ये असणारी प्रवेश प्रक्रिया आहे, त्याबद्दल सखोल मार्गदर्शन करण्यात येईल। या शिबिरासाठी VNIT अर्थात विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूरचे तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर रामटेके व डॉक्टर तलवारे हे येणार आहेत। तसेच चंद्रपूरमधून प्राध्यापक प्रवीण पडोळे व प्राध्यापक पराग धनकर हे मार्गदर्शन करतील। यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास होईल। या प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी होतील, त्या वैयक्तिक अडचणी महाविद्यालयातील तज्ज्ञ प्राध्यापकाची चमू आहे ती सगळ्या मुलांचे शंका निरसन करेल आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम संपेल।